good morning class today i am going to start lesson 7 of gk that is animals family in this chapter as the name suggests we are going to stu study about different family of animals

तरीका होता है उसके बेसिस पे इनको हम डिफरेंट डिफरेंट फैमिली ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं ठीक है सो हियर इन दिस एक्सरसाइज सम पिक्चर्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर्स गिवन हियर एंड द डिस्क्रिप्शन आर गिवन वी हैव टू राइट द नेम्स ऑफ देयर फैमिली ग्रुप्स सो लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस बाय रीडिंग द क्वेश्चन एनिमल्स ए एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल फैमिली इट मीन्स के एनिमल को हम डिफरेंट एनिमल फैमिलीज में डिवाइड करते हैं रीड द डिस्क्रिप्शन हियर डिस्क्रिप्शन आर गिवन विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू एंड राइट द नेम ऑफ द एनिमल फैमिली इन द ब्लैंड और उसके बाद हमको इनके फैमिली ग्रुप्स के नाम लिखने इनके फैमिली के नाम लिखने कि कौन सी फैमिली को ये बिलोंग करते हैं ठीक है नाउ वन इज डन फॉर यू एक हमारे लिए इन्होंने कर दिया है टू मेक अस इजी नाउ

एंड दे फीड मिल्क टू देर यंग वे अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं सो व्हाट वी कॉल देम वी कॉल देम मैमल्स ये रिटर्न ओवर यर मैमल्स इज ऑलरेडी डन फॉर यू ओके नाउ रीड द क्वेश्चन नंबर टू दीज एनिमल्स है स्केली स्किन इनकी स्किन कैसी होती है चिकनी होती है एंड मोस्ट ऑफ देम लिव ऑन लैंड और ज्यादातर इसमें से लैंड पर मतलब जमीन पर रहते हैं व्हाट वी कॉल देम वी कॉल देम रेपटाइल्स वाई बिकॉज ये जो एनिमल्स हैं एज द पिक्चर शोन ओवर हेयर दे जनरली मूव बाय ये सब रेंग के चलते हैं रेंगने से ही एक जगह से दूसरी जगह इनके लेग्स बहुत छोटे छोटे होते हैं तो ये जनरली रेंग के पहुंचते हैं ठीक है इनकी स्किन स्केली होती है और ये ज्यादातर जमीन पर रहते हैं इसमें कौन कौन से एनिमल हैं लिजर्ड है स्नेक है टोटोज है एलिगेटर है सो दीज आर द reptiles the, these belongs to which group reptile group so we will write over here reptiles r e p t i l e s reptiles now in the third question here picture of birds different types of birds are given let's read the description these animals have wings इन एनिमल्स के पास पंख होते हैं विंग्स वी कॉल पंख दे ले एग्स ये अंडे देते हैं एंड दीज एनिमल्स हैव टफ बीक इनकी जो चोच होती है वो बहुत हार्ड होती है इनस्टेड ऑफ टीथ इनके टीथ नहीं होते हैं बट इनकी चोच जो होती है वो बहुत हार्ड होती है सो वॉट वी कॉल देम वी कॉल देम बर्ड्स वी विल राइट ओवर ओवेर बर्ड्स बी आई आर डी एस बर्ड्स ठीक है ना इन द फोर्थ क्वेश्चन Here you can see the picture of some different types of insect. Let's read the description. These animals have six leg. in animals ke छह legs hote hain The body of these animals is made up of three parts. इनकी बॉडी जो बनी होती है वो तीन पार्ट्स में डिवाइडेड होती है. मतलब तो तीन पार्ट्स मिलाके बनी होती है. And these animal lay many eggs. ये एक बार में बहुत सारे अंडे देते हैं. What we call them? We call them insect. So, in spelling of insect is I N S E C T S. Insects. Now, let's move to the fifth question. In the fifth question, here we can see the picture of fishes. L let's read the description. These animals live in water. These animals, mein they breathe using gills. ये गिल्स के थ्रू सांस लेते हैं इनकी बॉडी में गिल्स होते हैं एंड दे एब्सॉर्व ऑक्सीजन थ्रू गिल्स और ऑक्सीजन को भी ये गिल्स के थ्रू लेते हैं पानी से जो ऑक्सीजन लेते हैं ये गिल्स के थ्रू लेते हैं व्हाट वी कॉल देम वी कॉल देम फिश एफ आई एस एच सो दे बिलोंग टू द फिश फैमिली नाउ इन क्वेश्चन हियर वी कैन सी पिक्चर ऑफ टोड फ्रॉक्स के सो दीज एनिमल्स लिव इन वॉटर वेन दे आर यंग ये एनिमल्स जब यंग होते हैं नए होते हैं या बच्चे होते हैं तो ये पानी में रहना पसंद करते हैं एंड दे हैव स्मूथ एंड मॉइस्ट स्किन इनकी स्किन बहुत ही सॉफ्ट चिकनी और गीली चिपचिपी सी गीली होती है सो दे आर कॉल्ड एम्फीबियंस जनरली ये मॉइस्ट जगह पे रहना पसंद करते हैं ठीक है जब ये एडल्ट हो जाते हैं तब ये लैंड पे आना पसंद करते हैं so amphibians in this way we have done this exercise now in the second exercise b we have to find out the names of these animals which with defense mechanism from the given clues means हमें उन एनिमल्स के नाम पता करने हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म दे अप्लाई डिफेंस मैकेनिज्म मींस रक्षा करने का तरीका जब वो अपनी या अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए जो मैकेनिज्म अप्लाई करते हैं उस चीज को जानने के बाद हमको उनके नाम गैस करने हैं ठीक है नाउ हियर पिक्चर्स ऑफ दीज एनिमल्स आर गिवेन सो ऑन द बेसिस ऑफ द पिक्चर बॉक्स and write reading the clues we have to guess the names like in the first part these and this animal forms a circle around its young ones to keep away wolves ye animal jo hai वो अपने बच्चों को बचाने के लिए उनके चारों तरफ एक सर्कल बना देता है ओके okay? So और किससे बचाने के लिए वोल्स से बचाने के लिए वोल्स मीन्स भेड़िए होते हैं तो भेड़ियों से बचाने के लिए वो अपने बच्चों के चारों तरफ एक सर्किल बना देता है व्हाट वी कॉल देम व्हाट वी कॉल दीज एनिमल दिस एनिमल इज मस्क सो वी विल राइट ओवर हेयर एम यू एस के मस्क ऑक्स ओके नाउ सेकेंड क्वेश्चन दिस एनिमल हैज स्पाइक्स ऑन इट्स बॉडी एंड इट्स लुक्स लाइक अ स्पाइकी बॉल इस एनिमल के शरीर पे कांटे जैसे uh, निकले होते हैं और ये दूर से एक कांटे वाली बॉल के जैसे लगता है स्पाइक्स ठीक है नुकीली सी uh, निकली होती है सो व्हाट वी कॉल देम वी कॉल देम पॉक्यूपाइन सो वी विल राइट ओवर हियर पॉक्यूपाइन ओ आर सी यू पी आई एन ई पॉक्यूपाइन ओके नाउ दिस एनिमल हैज टाइनी स्टिंग्स ऑन इट्स बैक इस एनिमल के बैक पे टाइनी स्टिंग्स होते हैं स्टिंग क्या होता है स्टिंग बेसिकली एक ऑर्गन होता है छोटा सा ऑर्गन के बैक पे निकला होता है और इस एनिमल को हम क्या कहते हैं सी स्लग वी कॉल इट सी स्लग एस ई एस एल यू जी सी स्लग ओके फोर्थ क्वेश्चन दिस एनिमल हैज लार्ज आई स्पॉट ऑन इट्स विंग इसकी विंग्स पे आईज के जैसे बड़े बड़े uh, आप कह सकते हो आईज जैसे बड़े स्पॉट्स बने होते हैं सो वॉट वी कॉल देम वी कॉल देम बुश क्रिकेट बी यू एस एच बुश एंड क्रिकेट सी आर आई सी के ई टी क्रिकेट In this way, we have completed both the exercise. Now, here some important facts are given. Froggy speaks. What froggy speaks? These are some important uh, statement which froggy speak and they are important in examination point of view. So, let's read it. The butterfly with the longest wing span is the female queen Alexandra birdwing butterfly. Matlab? वो बटरफ्लाई जिसकी सबसे लंबी विंग्स होती हैं, उसका नाम क्या है फीमेल क्वीन अलेक्जेंड्रा बर्ड विंग बटरफ्लाई इट्स विंग्स मेजर्स 28 सेंटीमीटर वाइड मतलब इसकी विंग जो है वो 28 सेंटीमीटर चौड़ी होती है नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है द वर्ल्ड हैवीएस्ट इंसेक्ट इज गोयलेट बीटल इट कैन बी इलेवन सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वेज हंड्रेड ग्राम मतलब वर्ल्ड का दुनिया का सबसे भारी जो इंसेक्ट है उसका नाम क्या है गोलियत बीटल वो 11 सेंटीमीटर लंबा है और 100 ग्राम का है ये सबसे हैवी इंसेक्ट है पूरी दुनिया में so in this way we have completed chapter 7 and your homework is you have to learn the exercises of this chapter i'll post the picture of this chapter so you can do easily thank you class